हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूअस जो है बहुत ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत जगह पहाड़ दरक रहे हैं, पत्थर गिरने का डर हो गया है, रोड रोड ब्लॉक हो गया है। और आगे 2 दिन के लिए भी जो है प्रशासन की ओर से, हिमाचल प्रदेश जो प्रशासन की ओर से और मौसम विभाग की ओर से बारिश के भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी बाकी लोग हैं, या ऐसे लोग जो घूमने के लिए हिमाचल का प्लान अभी कर रहे हैं बाहर से, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि 1-2 दिनों तक यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा जो ख़राब होने वाला है, अभी भी बहुत ज़्यादा जो अभी स्थिति ख़राब है। तो अपनी जान को जोखिम में ना डाल के आप जहाँ हैं वहाँ पे रुके रहिए 1-2 दिन के लिए, मौसम बहुत ख़राब है। बाकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ जगह जगह पे कैसी कैसी स्थितियाँ हैं, वो आप देख लीजिए। हैवी रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश, ये देखिए कितने भयंकर तरीके से पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। ये गंगटोली एक जगह है शिलाई में, और NH 707 पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस पर बहुत ही भयंकर स्थिति है, बट कहीं भी हिमाचल में मूव करना ठीक नहीं है। और बहुत साथ ही में लारजी प्रोजेक्ट, पावर हाउस में पानी घुस चुका है। लारजी पावर हाउस में पानी जो है अंदर घुस गया, बहुत ही दरवाज़ा गेट तोड़ करके। जितना भी हमने प्रोटेक्शन का सिस्टम शुरू चालू किया था, जो भी प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे, तेल के ड्रम भी साथ ही अंदर की तरफ उड़ रहे हैं, अंदर की तरफ गिरते आ रहे हैं। बहुत ही भयंकर स्थिति, लारजी पावर हाउस डूबने के कगार पे डूब चुका है, डूबने वाला है। सब कुछ तिनके की तरह बहता हुआ अंदर की तरफ आ रहा है, तेल के भरे हुए ड्रम। इस टाइम सर्विस बे में और सीधा मशीन हाउस में पानी घुस चुका है। बहुत ही भयंकर परिस्थिति, लारजी पावर हाउस। सभी स्टेटर रोटर सभी सिस्टम खत्म हो गया लारजी पावर हाउस का। बहुत ही भयंकर परिस्थिति, सभी कर्मचारी दौड़ते हुए अपनी जान बचाते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। उठा ले इसको किसी का भी, नहीं नहीं हाँ ले चल, ले चल ऊपर ऊपर ले चल, किसी का भी होगा। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति, ब्लैकआउट हो चुका है, स्टेटर रोटर में पानी घुस चुका है, मशीन हाल पानी से लबालब भर रहा है।